कानपुर देहात के मूसा नगर में 28 जनवरी की सुबह बीजेपी नेता द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। गुलफाम ने पत्नी और 6 बच्चों के संग आग लगा ली थी, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों ने सभी झुलसे लोगों को अस्पताल भिजवाया। वहीं आग से झुलसे लोगों को बचाने में थाने का एक सिपाही भी गंभीर रूप से झुलस गया था। वहीं झुलसे लोगों का इलाज लखनऊ में चल रहा है। आज इलाज के दौरान एक बच्ची चांद तारा 3 वर्ष की मौत हो गई। वहीं घटना में बीजेपी नेता ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा न करने की बात कही थी, साथ ही बीजेपी नेता ने उनके द्वारा जमीन खरीद कर बनवाए जाने की बात कही थी, जिसकी राजस्व टीम द्वारा जांच भी कराई गई थी। बीजेपी नेता ने इस घटना को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते फंसाए जाने की बात कही। मूसा नगर में हुई घटना अब राजनीतिक रूप ले चुकी है। सपा और आप पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मूसा नगर पहुँच पीड़ित परिवार से जानकारी ली। वही घटना के बाद सपा और आप पार्टी राजनीतिक रूप देने में लग गई। सपा प्रदेश नेतृत्व में आह्वान पर आज सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात के मूसा नगर पहुंचा और गुलफाम के माता पिता से मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। गुलफाम के पिता हमीद ने उनको घटना की जानकारी दी। वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने गुलफाम के पिता को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से बात कर घटना की जानकारी ली और पीड़ित को न्याय न मिलने पर इस मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी। वहीं कानपुर क्यारी नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि भू माफिया सत्ता बल और गुंडई के प्रयोग से जबरदस्ती कब्जा कर रहा था, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आए हैं और पूरी रिपोर्ट सपा मुखिया को दी जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संदीप कुशवाहा की खास रिपोर्ट। कब्जा करने जा रहे थे इस जमीन की, बताया गया क्षेत्रीय लोगों द्वारा कि अनेक बार पैमाइश हुई है और रकबा अलग करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी तक सरकारी बंटवारा उस जमीन का नहीं हुआ था। ये भू माफिया ने सत्ता बल के प्रयोग से और अपने गुंडई के ताकत से जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसे प्रशासन की ऐसी मिली भगत थी कि अनेक बार डीएम से एसडीएम से मिलने के बावजूद केवल कागजी घोड़े दस्ते रहे, कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हुई। मौके पे देखा है कि निर्माणाधीन भवन के ऊपर अभी भी लाइटें लगी हुई हैं, माने रात और दिन में काम चल रहा था। रात में निर्माण कब किया जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं गलत मंशा थी। जब रात में भी पीड़ित ने डीएम और एसडीएम को फोन मिलाया है तो उनके फोन नहीं उठे हैं, डीएम और एसडीएम के फोन रात में नहीं उठे, तब आकर के उसने मजबूर होकर के सुबह अपने परिवार सहित घटना स्थल पे जा करके जब आत्मदाह किया है तब प्रशासन चेता है। हमने देखा है कि अत्यंत गरीब परिवार है, निरीह परिवार है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं थी। हमने देहात में पता किया है कई लोगों से, तो मालूम पड़ा है कि जिलाधिकारी सत्ता के नशे में चूर हैं, ये आम जनता की आवाज को सुनते नहीं है। यहाँ तक कि अगर पत्रकारों ने भी उनके खिलाफ दिखा दिया किसी मामले में, शिक्षा विभाग का भी एक मामला हम लोग जानकारी में आया था, तो उन्होंने पत्रकारों तक के खिलाफ मुकदमा लिखा देने का काम किया है। रात में जिलाधिकारी से लेकर एसडीएम तक सुबह तक किसी ने फोन नहीं उठाया है, ये सीधे सीधे भू माफिया को मदद पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी गई है। हम लोग आज यहां आए हैं, हमने उस परिवार की बेबसी को देखा और महसूस किया है। हमारी कमेटी की रिपोर्ट कल तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच जाएगी और जितना आवश्यक होगा उतनी मदद हमारी पार्टी की तरफ से उस परिवार के इलाज में और आगे के जीवन यापन में करी जाएगी। हम लोगों ने जो प्रशासन के उपस्थित अधिकारी थे उनसे मांग करी है कि जाति धर्म और पार्टी के आधार पर भेदभाव करने के बजाय जिस प्रकार से जिस कानून से विकास दुबे का घर गिराया था उसी कानून से इस बिल्डिंग को गिरा करके पहले जैसी स्थिति कायम करके फिर इस जमीन की पैमाइश करी जाए। जिन भूमाफिया के वजह इतना बड़ा कांड हुआ है, सुनने में आया एक बच्ची की जान भी चली गई है, 7 लोग अभी अस्पताल में घायल अवस्था में है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के उत्पीड़न को रोका जाए। तमाम लोग थे, मान लो गाड़ियाँ भी थी सरकारी, मान लो देखते हमारे साथ से देशों साथ भी होंगे तमाम लोग। लास्ट में जब पहुंचा मैं तो मैंने उसको कसम धराई है तब वो जी एक स्पायर हो गया। और बाकियों की हालत कोई पता नहीं देते कि कैसी है, कोई ना वहाँ कोई जाने भी नहीं देता, मरीजों के पास ना मिलने देते, कैसा अस्पताल है।